कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में सीबीआई ने मौके की 3D मैपिंग की है। वहीं कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई ने 10 घंटे तक तकरीबन पूछताछ की। आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ जो आज फिर से होगा। कोलकाता पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के पास धारा 163 लागू कर दी, जिसके बाद कॉलेज के पास धरना प्रदर्शन करने पर सख्ती से रोक लगा दी गई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई ने तीसरे दिन भी पूछताछ की। केंद्रीय एजेंसी ने 10 घंटे से ज्यादा समय तक उनसे पूछताछ की है और वो अब चौथे दिन भी पूछताछ आज जारी रखेगी। सीबीआई को जांच में अस्पताल से जुड़ी अहम लीड्स हाथ लगी हैं और यही वजह है कि सीबीआई पूर्व प्रिंसिपल से लगातार सवाल करती जा रही है। बीते दिन इस केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय का रविवार को साइकोमेट्रिक टेस्ट भी किया गया। बताया जा रहा है कि आज फिर से संजय रॉय का साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। हालांकि सीबीआई की टीम ने अब तक जांच के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है। उसकी फॉरेंसिक टीम ने कल एक बार फिर से आरजीकर हॉस्पिटल में जांच की और स्पॉट पर 3 घंटों तक 3D लेजर मैपिंग की है। सीबीआई की कई टीमें एक साथ जांच में जुट गई हैं। वहीं कोलकाता और दिल्ली में इंसाफ की आवाजें लगातार उठती जा रही हैं। रात में भी डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी रहा। कई ट्रेनी डॉक्टर्स ने हाथ पर काली पट्टी लगाकर सुरक्षा की मांग की। इस बीच बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। सूत्रों की माने तो वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करने वाले हैं। राज्यपाल गृह मंत्री को राज्य की मौजूदा परिस्थिति को लेकर अवगत कराएंगे। सबसे अहम सवाल ये है कि सीबीआई ने अब तक क्या क्या किया है। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि कोलकाता हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को ये मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा था। हाईकोर्ट का ये फैसला पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के एक दिन बाद आया। साथ ही सीबीआई अपनी जांच के सिलसिले में कोलकाता पुलिस के कुछ अधिकारियों सहित 20 से ज्यादा लोगों से पूछताछ पहले ही कर चुकी है। सीबीआई ने घटनास्थल की 3D मैपिंग की है। सीबीआई ने आज कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से तीसरे दिन भी पूछताछ की और आज फिर करेगी। संदीप घोष से तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ चली है। सीबीआई ने संदीप घोष की कॉल डिटेल और चैट भी निकाली है। आरोपी संजय रॉय का आज फिर से साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। मेडिकल कॉलेज के पास धारा 163 लागू कर दी गई। वहीं 24 अगस्त तक कॉलेज के पास धरना प्रदर्शन पर रोक है। आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ रेप की घटना से देश आहत है। कई स्वास्थ्य संगठन आंदोलन पर हैं। सीबीआई दिन रात जांच में जुटी हुई है। देश की सर्वोच्च अदालत भी इस मामले पर खुद सुनवाई करने जा रही, जिसके लिए कल यानी कि मंगलवार की तारीख तय की गई है। यह खबर घटना के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के एक दिन बाद आई है।